पीएफआई पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब इस संगठन पर इनकम टैक्स विभाग ने हंटर चलाया है। इनकम टैक्स ने पीएफआई का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। देश में पीएफआई जैसे संगठनों पर लगाम कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसी कड़ी में इनकम टैक्स विभाग ने इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। दरअसल अगर इनकम टैक्स विभाग को लगता है कि कोई संस्था या ट्रस्ट वास्तविक नहीं है और ये अपने ट्रस्ट के अनुरूप काम नहीं कर रहा है तो वो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है। आईटी विभाग ने सेक्शन 12AA3 के तहत रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। पीएफआई पर पिछले साल सीएए प्रदर्शनों के दौरान गंभीर आरोप लगे थे। पीएफआई पर प्रदर्शनों को फाइनेंस करने का आरोप लगा है। ईडी ने भी अपनी जांच में पीएफआई पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। स्पेशल कोर्ट में ईडी ने कहा है कि पीएफआई ने केरल में टेरर कैंप के लिए फंड इकट्ठा किए। ईडी की जांच के दौरान सामने आया कि फंड का इस्तेमाल आतंक से जुड़ी गतिविधियों और सामाजिक सौहार्द को खराब करने में हुआ। पीएफआई और इससे जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों की जांच में ये बातें सामने आई। एनआईए के पीएफआई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया था। चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई एसडीपीआई आपराधिक साजिश में शामिल। इनके कैडर को हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग कन्नूर जिले में बने आतंकी कैंपों में दी गई। इनका मकसद दो धर्मों के लोगों के बीच नफरत पैदा करना था। आतंकी गतिविधियों के लिए भी कैडर को तैयार किया जा रहा था। केरल में जिन जगहों पर पीएफआई के कैडर को आतंकी ट्रेनिंग दी गई वहां रेड के बाद जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर्स बरामद हुए हैं। इस मामले में ईडी की जांच अभी जारी है। ईडी केरल, उत्तर प्रदेश, बंगाल, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र में पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर रेड कर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में सुराग तलाश रही है। यूपी में हाथरस कांड के दौरान भी पीएफआई पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। इसी दौरान पीएफआई से जुड़े चार लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साल 2006 में बना पीएफआई खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला संगठन बताता रहा है। लेकिन ईडी और एनआईए की जांच ने संगठन के नापाक मंसूबों का खुलासा कर दिया। टीम न्यूज़ स्टेशन।